आईपीएल 2023 की पहली ट्रेड हो चुकी है फिक्स। इंडियन वुमेन्स एक बार फिर जीत चुकी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपके सामने अभी परोसेंगे इसी वीडियो के अंदर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। मैं हूँ विशेष हिडे, ये है हमारा चैनल विशेष वीडियोस। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए बहुत थैंक यू। अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ। पहली खबर आईपीएल 2023 की पहली ट्रेड के बारे में है। पहली ट्रेड चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में बताई जा रही है। दोनों के बीच इतना बजट नहीं बाकी है, पर ट्रेड इनके बीच प्लेयर टू प्लेयर हो सकती है, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल और शिवम दुबे, दोनों जैसे शिवम दुबे हैं आरआर को उनकी जरूरत है एक जबरदस्त ऑलराउंडर की, और सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छे ओपनर की जरूरत है जो देवदत्त पड्डीकल बन सकते हैं, और शायद राजस्थान रॉयल्स को देवदत्त पड्डीकल की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओपनर है और ओपनर स्लॉट फुल है राजस्थान रॉयल के पास। तो ये ट्रेड फिक्स बताई जा रही है दोस्तों। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। विराट कोहली का एक और माइलस्टोन है तैयार। इंटरनेशनल क्रिकेट में 25,000 रनों से मात्र 119 रन दूर है विराट कोहली। बताया जा रहा है कि पहले दो टेस्टों में या फिर पहले ही टेस्ट में बना सकते हैं माइलस्टोन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन सकते हैं विराट कोहली। मात्र 119 रन दूर हैं विराट कोहली इस बड़े माइलस्टोन से। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। हाँ, क्या आप भी एक्साइटेड हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर ये है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर दी है प्रैक्टिस, और जैसे इंडिया में कंडीशंस मिलेंगी वैसी पिचे बना के ये लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। आप लोग स्क्रीन पे भी इनकी पिक्स देख पा रहे होंगे। अगर एबल हुई तो मैं इन पर एडिटिंग करके लगा दूंगा पिक्स। आप देख पा रहे होंगे बहुत जबरदस्त पिक्स, सॉरी वो पिच बनाई है इन्होंने और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने बाहर दौरे के लिए स्टार्ट कर दी है प्रैक्टिस, और ये कुछ दिनों में भारत भी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आकर भी प्रैक्टिस करेंगे। घुमाव वाली पिचों में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथी खबर आ रही है जोफ्रा आर्चर की तरफ से। एमआई के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है क्योंकि जोफ्रा आर्चर इतने फिट नहीं दिखे। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वनडे के बीच उनको बॉलिंग करवाई गई और इतने फिट नहीं दिखे, और कब बताया जा रहा है शायद आईपीएल 2023 से वो बाहर भी हो सकते हैं क्योंकि वो इतने फिट नहीं हैं जितने वो बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखना एक्साइटेड होगा क्या मुंबई इंडियंस उनके बिना जीत पाएगी। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मुंबई इंडियंस बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपनी पेस अटैक पे। इस बार उन्होंने बहुत आस लगाई थी। चलो देखना होगा दोस्तों, आए अब कुछ ही दिनों में ये रिपोर्ट शायद आ भी जाए। पांचवी खबर की बढ़ते हैं। पांचवी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मुरली विजय हो चुके हैं आईपीएल से रिटायर। सॉरी आईपीएल से नहीं, मुरली विजय हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर। उन्होंने कर दी है संन्यास की घोषणा। पूरी रिपोर्ट बताते हैं दोस्तों आप लोगों को। मुरली विजय जिनको मौका नहीं मिल रहा था और उनकी एज भी बढ़ती जा रही थी इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के बहुत साल दिए इंडिया को, पर इतने मतलब लगातार मौके नहीं मिल पाए। उन्होंने बीच में स्टार्ट भी की थी मतलब परफॉर्मेंस देनी, बट रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स आ गए और उनकी जगह कोई टीम में जगह नहीं बनी उनकी। दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ उनकी यह खबर सुन के कि वह रिटायर हो चुके हैं। छठी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पांच ऐसे खिलाड़ी जो पहली बार खेलने वाले हैं आईपीएल 2023 में। आईपीएल 2023 में दोस्तों पहली बार खेलने वाले प्लेयर के नाम आपको बता देते हैं। पहला प्लेयर है दोस्तों कैमरन ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। अब की बार मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है 17.5 करोड़ रुपए में। एमआई ने इनको ले लिया है। दूसरे खिलाड़ी हैं दोस्तों मुकेश कुमार, इंडियन है दोस्तों, इनको भी बाय किया है अब की बार। जोशुआ लिटल आयरलैंड के प्लेयर हैं, ये भी अब की बार पहली बार आईपीएल खेलने वाले हैं। अगले प्लेयर हैं दोस्तों सिकंदर रजा, जो कि पहली बार आईपीएल खेलने वाले हैं। पांचवें प्लेयर है हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड से हैं और ये भी आईपीएल खेलने वाले हैं अब की बार पहली बार। पांच ऐसे प्लेयर आपको दोस्तों हमने बताई जो कि पहली बार आईपीएल खेलने वाले हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ इन प्लेयर्स को देखने के लिए, क्योंकि कैमरन ग्रीन, सिकंदर रजा, हैरी ब्रूक पे रहेंगी बहुत सारी नजरें टीम्स सॉरी दर्शकों की, क्योंकि अब की बार दर्शक भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सातवीं खबर है दोस्तों, इंडिया वुमेन्स फिर जीत चुकी है एक बार। अब की बार बड़ी टीम ने किया है कारनामा। इंडियन वुमेन्स ने अब की बार फिर जीत प्राप्त की। जो ट्राई सीरीज चल रही है उसके अंदर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को एक अच्छे तरीके से हराया, बड़े तरीके से हराया।
कम रनों पे आउट करके जल्दी से जल्दी उन्होंने चेज किए रन। दोस्तों 8 विकेट से बहुत अच्छी जीत प्राप्त की। क्या आप की बार वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि पहले अंडर 19 वुमेन से उन्होंने थोड़ी सीख ली होगी। और समरनप्रीत कौर, सॉरी हाँ, हर स्मृति मंधाना ने कहा है कि जो छोटी टीम थी अंडर 18, उससे 3 से 4 प्लेयर अब की बार टीम में आ जाएंगे, सॉरी 2023 के अंदर आ जाएंगे। 8वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्कोर स्टार की तरफ से IPL टीम्स बताई गई हैं कि कौन सी IPL टीम अब की बार लग रही है खतरनाक। दोस्तों पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस और तीसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स। तीन ऐसी टीम्स जो स्कोर स्टार के हिसाब से जबरदस्त टीमें दिख रही हैं दोस्तों। पर मुझे तो लगता है अब की बार सभी टीम तकड़ी हो चुकी है, क्योंकि तो बहुत अच्छा ऑक्शन रहा दोस्तों। अब की बार हर टीम ने अच्छे अच्छे प्लेयर्स लिए। कुछ टीम ऐसी थी जिनकी टीम शुरू से ही अच्छी है, जैसे कि RCB हो गई, गुजरात टाइटंस हो गई, लखनऊ सुपर जायंट्स हो गई। इन्होंने इतनी बड़ी बाइज नहीं की, लेकिन छोटी छोटी बाइज करके अच्छी इन्होंने टीम्स बना ली है दोस्तों। मुझे लगता है अब की IPL सबसे अच्छा IPL होने वाला। आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, IPL अच्छा होने वाला है या हर साल की तरह ठीक ही होने वाला है। बट IPL हमेशा से अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होता ही चला जा रहा है। IPL की चढ़ाइयाँ चढ़ती ही जा रही हैं, दूसरी लीग छोटी होती जा रही है, हमारी लीग बड़ी होती जा रही है। 9वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स की जो वुमेन्स टीम खरीदने वाले हैं, उन्होंने ऑफर किया है WV रमन को और झूलन गोस्वामी को कोचिंग के लिए। दोस्तों 9वीं खबर में हम आपको ये बता रहे हैं कि जो WV रमन है और झूलन गोस्वामी, DC की तरफ से ऑफर आया है उनको कि क्या वो कोचिंग करेंगे वुमेन्स टीम की। देखना होगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग होगा। झूलन गोस्वामी एक दिग्गज प्लेयर और WV रमन एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं भारत के, क्या कोचिंग कर सकते हैं वो वुमेन्स की, देखना होगा दोस्तों। 10वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। IPL 2023 से पहले ये बड़ी रिपोर्ट है कि IPL टीम्स मीटिंग करने वाली है BCCI के साथ, क्योंकि इन लोगों का यह कहना है, BCCI का कहना है कि प्लेयर को थोड़ा देख के करे जाए, रेस्ट किया जाए। कभी कहते हैं कि BCCI वाले कि IPL में ना खेलें प्लेयर्स। IPL टीम ने कहा है हमने बहुत इन्वेस्ट करके इन प्लेयर्स को बाय करते हैं, और हाँ हम इनको बीच में रेस्ट दे सकते हैं। देखते हैं मीटिंग में क्या होगा दोस्तों, क्या फैसला लिया जाएगा। बहुत कड़ी नजरें हैं दोस्तों रिपोर्ट पे। यह थी 10 दिन भर की 10 बड़ी खबरें दोस्तों। 31 जनवरी की तारीख, एपिसोड नंबर 4 क्रिकेट फास्ट का दोस्तों आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।